फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी पनी एजुकेशनल अकेडमी। चलो, लास्ट वीडियो में हमने न्यू लेसन स्टार्ट किया था ना, द ब्रेव जैकल। उसमें हमने आधा कंप्लीट किया था, बाकी का हम इस लेसन में कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो हमने क्या देखा था कि एक जैकल नाम का एनिमल है, वो जंगल में रहता था। एक दिन उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, वो खाना ढूंढने निकला था जंगल में, तो उसको खाना नहीं मिला। फिर उसको अजीब सी आवाज़ आने लगी, वो आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से आने लगी, और वो ऐसा सोचने लगा, मैं यहाँ से भाग जाऊँ, नहीं तो कोई आके मुझे खा लेगा। तो हमने वहाँ तक का देखा था, चलो आगे देखते हैं। बट देन ही स्टॉप एंड आस्क हिमसेल्फ, इज इट वाइज ऑफ मी टू रन अवे फ्रॉम माई होम लाइक दिस। फिर वो रुका और उसने अपने आप से पूछा कि ऐसे वाइज का मीनिंग होता है टू नो डैट इज़ राइट एंड डैट इज़ रॉन्ग, कि मैं ऐसे समझदार होके यहाँ से चला जाऊँगा तो ऐसे सही रहेगा। सुडन आई बी ब्रेव एंड ट्राई टू फाइंड आउट हु इज़ मेकिंग दिस साउंड, क्या मैं थोड़ा ब्रेव यानी थोड़ा बहादुर बन के ये नहीं जान सकता, ढूंढ नहीं सकता कि ये आवाज़ क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। वो ऐसा अपने बारे में सोचता है, अपने आप को पूछता है। सो गैदरिंग ऑल द करेज दैट ही हैड, ही स्लोली क्रैपेड इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द क्रैपेड का मीनिंग होता है मूव स्लोली विद द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड। उसने अपने सारे हिम्मत समेटी, करेज यानी हिम्मत, सारी हिम्मत समेटी, डर को दूर करा और क्रैप यानी अपनी बॉडी को एकदम से धीरे धीरे करता वो आगे निकलता है। वेयर द साउंड वॉज कमिंग, जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ पे वो जाता है। ही वॉज एक्सपेक्टिंग टू फाइंड अ वाइल्ड बीस्ट, बीस्ट का मीनिंग होता है एनिमल। उसको ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत भयंकर एनिमल की आवाज़ आ रही होगी। बट ऑल दैट ही फाउंड वॉज अ ड्रम लाइंग नियर सम क्रीपर्स, पर वहाँ पे जाके वो क्या देखता है कि यहाँ पे जो क्रीपर यानी झाड़ियाँ है वहाँ पे तो एक ड्रम पड़ा हुआ है। उसको लगा कोई भयंकर एनिमल होगा जिसकी आवाज़ आ रही है, पर यहाँ पे आके तो उसने क्या देखा, ड्रम पड़ी हुई है। इट मस्ट हैव बीन लेफ्ट देयर बाय द सोल्जर्स हु फाउट ऑन द बैटल फील्ड। उसको ऐसा लगा कि जो सैनिक लोग, जो लोग यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, वही लोग यहाँ पे भूल के छोड़ के चले गए हैं। ही देन रियलाइज हाउ द साउंड वॉज मेड, उसके बाद उसको एहसास हुआ कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। वेन द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू द क्रीपर्स रब अगेंस्ट द ड्रम एंड मेड द क्रीपी साउंड, जब जंगल है तो जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हो, तो जैसे ही जोर से पवन फूकता है, वाइंड जैसे जोर से ब्लू करता है, तो जो क्रीपर से जो झाड़ियाँ है वो एक दूसरे में ऐसे अटकती है और ड्रम पे लगती है, तो उसके कारण क्रीपी साउंड, क्रीपी का मीनिंग होता है स्कैरी, डराने वाला आवाज़ फील होता है। सो द स्कैरी बीस्ट वॉज नन अधर बट द ड्रम, तो वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, और कहीं से नहीं, पर वो ड्रम में से आवाज़ आ रही थी। रिलीव दैट देयर वॉज नो रीज़न टू बी स्क्रेड ऑफ, ही कंटिन्यू हिज सर्च फॉर फूड। नॉट फार अवे ही फाउंड अ लॉट ऑफ फूड लास्ट हिम अ लॉन्ग टाइम। उसको ये सब देख के बाद में उसको थोड़ा अच्छा लगा, रिलीफ हुआ वो, उसको लगा कि अब डरने की कोई बात नहीं है। वो वापस खाने की सोच में निकल गया और थोड़े ही दूर जाते उसको बहुत सारा खाना भी मिल गया। तो हमने देखा ना वो जैकल कैसा ब्रेव है, उसने डरा नहीं और उसने हिम्मत से काम लिया, और वहाँ पे जाके वो देखता है कि कैसे आवाज़ आ रही थी। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।